पैकेट ओपन नहीं किया है, ऑप्टिक्स कंप्लीट नहीं हुआ, उधर एमआरसन ने फिर मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर दिया है। पूछ रहा था मतलब पढ़ाई के टेंशन नहीं एक्चुअली बहुत कुछ पढ़ाई के बारे में। एंड मई 2024 रीलोडिंग। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोग का पढ़ाई चला है बहुत ही मस्त। सो आ गया हूं गाइस, अभी देख सकते हो 8:35 हो रहा है। हेलो, स्टार्ट करते हैं लेक्चर, क्योंकि दो बैकलॉग लग चुका है मेरा, ए वाला ए वाला, एंड बाकी तो सब कुछ है कंप्लीट। लेकिन एक्चुअली कल मैं घर पे नहीं था, कल थोड़ा बाहर जाना पड़ा था, मतलब मम्मा के डॉक्टर के लिए एंड मेरा खुद का डॉक्टर के लिए। मेडिसिन लेके आया, अभी भी पैकेट ओपन नहीं किया है, तो अभी मतलब मेडिसिन खाना है तो निकाल के खाता हूँ। एंड कल पूरा दिन मेरा बर्बाद हो गया, एंड आज भी मेरे को बाहर जाना है, थोड़ा काम है। अभी चलो पढ़ाई करते हैं एंड कितना कुछ कर पाता है देखते हैं। तो और एक मेन बात, ऑप्टिक्स कंप्लीट नहीं हुआ, उधर एमआरसन ने फिर मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर दिया है। ये मेरे को कल नाइट पे जब टेलीग्राम ग्रुप पे पता चला ना, मेरा दिमाग खिल गया। पहले स्टार्ट किया रे ऑप्टिक्स का बैकलॉग का पहला लेक्चर, एंड इसके बाद एक और लेक्चर करना है मेरे को, मतलब टोटल दो लेक्चर अभी करना है। और गाइस इधर मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो गया है, इस मॉडर्न फिजिक्स के बाद 12 का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, एंड उधर 11 का तो कंप्लीट हो ही चुका है। लेकिन गाइस मेरा 11 का कुछ मतलब बहुत कुछ बाकी है, एंड 12 का अभी कुछ बाकी है। अभी एक लेक्चर कंप्लीट हुआ, अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ दो लेक्चर, मतलब सेकंड लेक्चर। देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो थोड़ा सा बैकलॉग होते ही पैनिक हो जाता है, एंड पैनिक होने के बाद और भी ज्यादा बैकलॉग बढ़ा देता है, तो ये सब हम लोग को नहीं करना है। थोड़ा सा अगर बैकलॉग भी हो जाए ना, टाइम निकाल के कर लो यार, अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है एंड इन टाइम काम पे लगाओ। अगर इन टाइम पे अगर काम पे नहीं लगाओ तो और टाइम नहीं आएगा वापस, पैनिक ना हो के जितना ज्यादा हो। तो फाइनली गाइस मेरा ये लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है, एंड अभी टाइम देख सकते हो 12:02। सो इसको तो कंप्लीट कर लिया मैं अभी। इधर देखो मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर अभी भी लाइव चल रहा है, मतलब शायद 4 आवर हो गया है अभी, इसको बाद में देखेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा, बाकी का पढ़ाई भी करना है ना। जा रहा हूँ सहर लेने, एंड बहुत ज्यादा भूख लगा है तो मेरे को अभी लंच करना है। सो जल्दी से करते हैं गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों से। आज का लंच में चिकन एंड चिकन फ्राइड राइस। मैं निकल चुका हूँ मतलब लंच करने के बाद, अभी थोड़ा बाहर जाना पड़ रहा है, पैदल जा रहा हूँ रोड तक, एंड रोड से फिर गाड़ी पकड़ना पड़ेगा। तो चलो जाते हैं, अभी थोड़ा कुछ काम है, माल ले जा रहा हूँ मैं अभी, तो मिलते हैं इस बार। तो ही मेरे को मैक्सी मिल गया, तो मैक्सी में अभी मैं बैठा हूँ, तो अभी निकल जाएंगे यहाँ से। 2000 years later। सो फाइनली गाइस मालदा पहुँच गया हूँ, अभी हल के अंदर से जाना पड़ रहा है, तो चलो बाहर जाते हैं, देन अपना अपना जो जो काम है सब कुछ करते हैं कंप्लीट, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये देखो गाइस, गांधी जी के लाठी के ऊपर कौवा बैठा हुआ है। A few moments later. ओ गाइस, अभी टाइम हो रहा है 3:44, एंड मेरा यहाँ का जितना कुछ काम वगैरह था सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं निकल रहा हूँ घर, तो चलो चलते हैं घर। मैं फिर से मैक्सी पर आके बैठ गया, आके देखा पूरा मैक्सी कम है खाली, मतलब ज्यादा पैसेंजर ही नहीं है, लेकिन ऑन बाय वन आके आके भरता जा रहा है। एंड मैं भी बैठे बैठे इधर उधर देख रहा था, बहुत कुछ सोच रहा था, मतलब पढ़ाई के टेंशन नहीं एक्चुअली बहुत कुछ पढ़ाई के बारे में, एंड कैसे थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूँ पढ़ाई, एंड और क्या क्या कर सकता हूँ, थोड़ा यूट्यूब वगैरह इसके बारे में सोच रहा था, क्या कंटेंट डालूँ, क्या कंटेंट देना चाहिए आप लोगों को। जो मेरा बंगाली चैनल है उसके लिए बहुत सारे कंटेंट मैंने सोचा, बहुत सारे कंटेंट आइडिया मैंने लिख के रखा है, लेकिन वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, समझ सकते हो आप, टाइम ज़्यादा नहीं है, सो नीट के एग्ज़ाम के बाद ही शूट करते हैं।
जब भी मैं कभी ट्रैवल करता हूँ, मतलब ऐसे छोटा मोटा ट्रैवल इधर उधर जाता हूँ, तभी मेरे को ना कोई मिल ही जाता है, मतलब मैं जानता हूँ ऐसा कुछ, एंड बातचीत हो जाता है। लेकिन आज क्या हुआ, कोई भी नहीं मिला, मेरे को अकेले चले जाना पड़ा, आना पड़ा, जो थोड़ा सा बोर सा लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, जब अकेले रहो तभी बहुत सारे नए नए आइडिया आते हैं, बहुत सारे थिंग आते हैं अच्छे अच्छे, तो सही है, सब कुछ सही है। तो फाइनली गाइस घर आ चुका हूँ एंड बहुत टायर्ड लग रहा है मेरे को अभी। कितना बजा, एक सेकंड, मे बी टाइम मेरे को नहीं पता, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। 5:25, सो देख सकते हो 5:25 हो गया है। अब जल्दी से फ्रेश व्रेश होते हैं, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। 2 hours later ले रहा था रेस्ट एंड अभी जस्ट चाय बाय लेके आ गया। टाइम हो रहा है 7:38, तो चलो चाय पीते हैं एंड कुछ ना कुछ पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बैठे रहने से कुछ फ़ायदा नहीं है, पढ़ना तो बढ़िया ही, तो पढ़ते हैं। चाय पी रहा था एंड स्टडी जस्ट स्टार्ट करने वाला था एंड इधर देखो उम्मीद 2024 रीलोडिंग, मतलब 15 February से स्टार्ट हो रहा है उम्मीद 2024। तो जिन लोगों का सिलेबस अभी भी बाकी है एंड वो लोग अगर चाहता है ऑन शॉर्ट से करना, तो गाइस देख लो उम्मीद 2024 एंड लग जाओ 15 से। गाइस मैं आ गई हूँ अपना बेड पे, मतलब अभी स्टडी में यहाँ से करूँगा, लेकिन मेरे को अभी कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जिसके कारण मैंने सोचा कि अभी स्टडी नहीं करके थोड़ा लेक्चर कर लेता हूँ, मतलब पढ़ाई नहीं करके लेक्चर कर लेता हूँ। तो अभी इनऑर्गेनिक स्टार्ट करना है, क्योंकि पिछला चैप्टर ऑर्गेनिक का किया था, अभी इनऑर्गेनिक करूँगा, तो मैं अल्टरनेट करके कर रहा हूँ ना, जो कि आप लोगों को पता ही है। ब्लॉग स्टार्ट करूँगा अभी, तो फिर ब्लॉग का एक लेक्चर कर लेते हैं फर्स्ट लेक्चर एंड उसके बाद अगर माइंड सेट हो जाए, सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो फिर से पढ़ाई, मतलब सेल्फ स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लेक्चर में कहाँ से करना हूँ आप लोगों को तो पता ही है, एंड जिन लोग को नहीं पता मैं बता दूँ, मैं पिछले साल का क्रैश कोर्स से कर रहा हूँ मोहित सर के पास से। एंड गाइस मैं पिछले साल उतना अच्छे से पीब्लॉक पढ़ा नहीं था, सीआरटी ज़्यादा फोकस किया था, उतना अच्छे से मैं लेक्चर नहीं किया था, ऐसा मेरा गलती किया था, जिसके कारण मेरे को अभी भूखना पड़ रहा है, अच्छे से लेक्चर करना पड़ रहा है, फिर एनसीईआरटी भी पढ़ना होगा, मैं लगभग सारे भूल ही चुका हूँ, तो दोबारा पढ़ना होगा अच्छे से। गाइस अभी टाइम हो रहा है 10 PM एंड जस्ट मैं डिनर करके आ रहा हूँ एंड लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया, मतलब इनऑर्गेनिक का जो भी ब्लॉक कर रहा था उसको कंप्लीट करके जस्ट डिनर करके आ रहा हूँ। सो अभी 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं बाकी का पढ़ाई, देखते हैं क्या करते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया एनसीईआरटी से बायो, मतलब मेरा सेल्फ स्टडी, एंड मैं कुछ देर पहले ही बताया था कि अगर मेरा माइंडसेट हो जाए तो मैं अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दूंगा, एंड उससे पहले मैं थोड़ा लेक्चर वेक्चर की। तो मैं एक बात और बता दूं, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप लेक्चर कर लो, किसी और कुछ करने से अच्छा है तो अभी लेक्चर कर लो, बाद में पढ़ाई कर लेना। टाइम है 12:33 गाइस एंड मेरा जस्ट एनसीईआरटी रीडिंग कम्प्लीट हुआ है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी थोड़ा सा सोना भी है, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा सोना है, टायर्ड था जिसके कारण आप लोग को तो पता ही है। एंड चलो मिलते हैं फिर कल, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग और वीडियो पे। सो जिन लोग का बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स वगैरह है उम्मीद से कर सकते हो, वो तो मैंने बता ही दिया, एंड उम्मीद 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो जाकर देख लेना गाइस, चेकआउट कर लेना कॉम्पिटिशन वाला चैनल पर। सो पढ़ाई करते रहो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ सोने, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।